क्वेश्चन है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत बताना है अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों ये वन रिपोर्ट नहीं है, ये राजस्थान राज्य की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उस पर आधारित क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा विभाग? वन विभाग, जो कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में अपनी वार्षिक, वैसे तो दिसंबर महीने तक की वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो हर साल जारी करता है। तो ये रिपोर्ट वन विभाग की रिपोर्ट है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 द परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट को हिंदी में सुरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षित, ठीक है। एरिया इन राजस्थान बताना है, 2017 के अनुसार पूछा गया है। जबकि दोस्तों 2017 वाली रिपोर्ट, उसके बाद में 19 की रिपोर्ट और उसके बाद में 21 की रिपोर्ट, अब वर्तमान में 21 की रिपोर्ट चल रही है। पहले तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूं, फिर नवीनतम जो रिपोर्ट है 2021 उसके अनुसार इसके आंकड़े बता देता हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 था, क्योंकि उस समय 55.64% था राजस्थान का प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अर्थात सुरक्षित वन क्षेत्र। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट राजस्थान सरकार वन विभाग। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, तो आप अपना रजिस्टर जरूर रखें पास में, इसमें आप लिख सकते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के, देखो दोनों चीजें से साथ साथ में करा देता हूं, राजस्थान का वन विभाग की रिपोर्ट 2000 वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 और साथ ही साथ वन रिपोर्ट भी, दोनों के हिसाब से हम चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है, ये अभिलेखित वन है। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? अभिलेखित वन। अभिलेखित वन, अंग्रेजी में अभिलेखित वन को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, अभिलेखित वन को। अब अभिलेखित वन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरक्षित वन अर्थात रिजर्व फॉरेस्ट। नंबर 1 मैंने लिखा है आरक्षित, जिसे क्या कहते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर पे होता है संरक्षित, जिसे सुरक्षित भी कहते हैं, जिसे रक्षित भी कहते हैं। ये तीनों नाम सत्य है, आप इंग्लिश में इसे प्रोटेक्ट कह सकते हो, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ठीक है। और नंबर 3 पे आते हैं अवर्गीकृत। क्या आता है? अवर्गीकृत, इसे इंग्लिश में अनक्लासिफाइड बोलते हैं। तीनों में दोस्तों मैंने आपके सामने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लिखे हैं, नंबर 1 आरक्षित अर्थात रिजर्व, नंबर 2 संरक्षित, सुरक्षित, रक्षित, तीनों नाम एक ही है, इंग्लिश में प्रोटेक्ट, अंत में अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है। नंबर 1 हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसके अनुसार, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट विभाग वन विभाग। मैं लिख देता हूं दोस्तों वन विभाग की रिपोर्ट, वन विभाग रिपोर्ट अर्थात स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021-22, कौन सी? 2021-22। और यहां पर लिख देता हूं वन रिपोर्ट जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा जारी होती है प्रति 2 वर्ष में, 2021 की जो जारी हुई है उसकी बात, वन रिपोर्ट 2021, ये लिख देता हूं 2021। दोनों में क्या अंतर है हम चेक करेंगे। दोस्तों आरक्षित वनों की बात करें तो याद रखें परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम है, अर्थात परसेंटेज सेम का मतलब आरक्षित वन 37.05 और वन रिपोर्ट में भी 37.05, ठीक है। संरक्षित, सुरक्षित, रक्षित, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार है 56.49, कितना है? 56.49%। दोस्तों किसके अनुसार? वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 56.49, जबकि
56.43% है वन रिपोर्ट के अनुसार, 56.43, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अंत में बच गया अनक्लासिफाइड। दोस्तों अनक्लासिफाइड वन विभाग की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कितना है, 6.46% है, जबकि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 6.52 है। वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लें, यहां से बार बार क्वेश्चन आता है। तो यदि वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूछे तो ये तीनों आंकड़े, जिसमें ये एक आंकड़ा सेम है, थोड़ा सा इनमें बदलाव है, 56.49 है तो ये 56.43 है, ये 6.46 है तो ये 6.52 है, ये अंतर है, याद रखें, ठीक है ना। तो दोनों में ये अंतर था दोस्तों। ये राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन और वो वन रिपोर्ट 2021, लिख लो इस प्रकार से ताकि आपकी आगामी परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। एक चीज क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा उदयपुर में मिलते हैं। दोस्तों याद रखेंगे सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, उदयपुर में एक नंबर पे और नंबर दो चित्तौड़ में। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, राजस्थान में रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा उदयपुर में है, नंबर दो चित्तौड़ में है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। दोस्तों रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें रियल में प्रतिबंध होता है, किसके लिए, पेड़ पौधों की कटाई नहीं कर सकते और आप इनकी पशु चारण की भी छूट नहीं होती है, पूर्ण प्रतिबंध होता है आरक्षित में। और आरक्षित रिजर्व के अंदर या अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान ये आते हैं, याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित क्षेत्र किस प्रकार के वनों के तहत आते हैं, याद रखना आरक्षित के तहत, रिजर्व के तहत, जिनमें क्या नहीं होता, पशु चारण की, लकड़ी कटाई पर कोई छूट नहीं होती है, पूर्ण प्रतिबंध होता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा इस प्रकार के वन कहां मिलते हैं, उदयपुर में, नंबर दो चित्तौड़ में। इसके अलावा संरक्षित और सुरक्षित वनों की बात करें दोस्तों, कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ पशु चारण और पेड़ों की कटाई के लिए छूट होती है संरक्षित, सुरक्षित, रक्षित, प्रोटेक्ट में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट 12 जिले में है, रट लेना, एक नंबर पे 12 करना है और दो नंबर पे करौली करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक नंबर 12, दो नंबर करौली। अंत में अनक्लासिफाइड है, यानी इस प्रकार के वन अवर्गीकृत वन होते हैं जिनमें पशु चारण या लकड़ी कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। राजस्थान में ये सबसे ज्यादा बीकानेर में मिलते हैं, दो नंबर पे गंगानगर। दोस्तों यहां लिख देता हूं बीकानेर और दो नंबर पे गंगानगर, गंगानगर। दोस्तों ये रट लो, बहुत काम की चीज बताई है इस क्लास के अंदर, इस प्रश्न में इतनी गजब की जानकारी है, आप इसको सुरक्षित रखो, अपना नोट्स जो बना रहे हो उसमें लिखो, बार बार रिवीजन किया करो, जब चीजें रिवीजन होती है तो सब कुछ याद होता है। और बच्चे मुझे पूछ लेते हैं गुरुजी याद कैसे करते हो, याद क्या करता हूं, आज पढ़ाया कल दोबारा पढ़ाऊंगा तो याद हो गया ना, बार बार रिवीजन ही तो कर रहा हूं मैं, मेरे पास कौन सा अलग से दिमाग थोड़ी है। और एक बात याद रखना, आप में से जितने विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं और मेरी भी बात कर लो, मैं भी आपके साथ शामिल हो जाता हूं, जितना दिमाग आपका है उतना ही मेरा है। यदि आपका 50 ग्राम का है तो मेरा भी 50 ग्राम का है, यदि आपका 2 ग्राम का दिमाग है तो मेरा भी 2 ग्राम का है। जैसा आकार आपके दिमाग का है वैसा ही आकार मेरा है, लेकिन एक शर्त है और एक अंतर इतना ही है, आप में, मेरे में, दुनिया में कोई भी और व्यक्ति, हम कितना उसका उपयोग करते, बस जितना ज्यादा उसका उपयोग करोगे वो उतना ही ज्यादा सार्थक होता जाएगा, चीजें याद होती जाएगी। का मतलब, उपयोग करने का मतलब है कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो उसे 2-3 बार रिविजन करो,